वेलकम टू माई YouTube चैनल दिस इज सरीना बिश्नोई और देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के साइंस का चैप्टर फोर दैट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम कार्बन एंड इट्स क्लियर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तो देखिए कार्बन इट्स कंपाउंड के चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर का कि क्या है ये ठीक है तो इंट्रोडक्शन में क्या है कार्बन कार्बन जो वर्ड है इट इज़ ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड कार्बो कार्बन एक लेटिन वर्ड से डिवाइड हुआ है जिसका मतलब कार्बो और कार्बो का मतलब क्या होता है कोल क्या मीनिंग होता है कोल ठीक है कार्बन आपके पास क्या है कार्बन एक नॉन मेटल है एंड कार्बन फाउंड इन क्रस्ट ये क्रस्ट के अंदर 15th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है ठीक है कार्बन जो है क्रस्ट में 15th सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है एंड व्हाट अबाउट यूनिवर्स ठीक है तो कार्बन यूनिवर्स में कौन सी पोजीशन में पाया जाता है फोर्थ मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा ये फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है किसके बाद हाइड्रोजन हीलियम एंड ऑक्सीजन तो यूनिवर्स पर फर्स्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन सेकेंड अबंडेंट एलिमेंट है हीलियम और थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है दैट इज द ऑक्सीजन और फोर्थ हमारे पास कौन आता है जी कार्बन आता है ठीक है उसके बाद देखिए क्या करें एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी और ये ह्यूमन बॉडी में सेकेंड सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है ऑक्सीजन

दैट अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स ठीक है जो एलिमेंट्स लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं और जितने वो कंपाउंड बनाते हैं उन सब के कंपाउंड से ज़्यादा कार्बन अकेला ही कंपाउंड बना लेता है ठीक है इसीलिए तो कार्बन एक स्पेशल एलिमेंट है और इसी को एक केमिस्ट्री की कंप्लीट ब्रांच दी गई है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं वो हम हमारी हायर क्लासेज में पढ़ेंगे ठीक है तो ये हमने पढ़ा कार्बन वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में अब देखिए अब हम पढ़ते हैं करेंस ऑफ कार्बन कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है ठीक है तो कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है अकरेंस की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए अक्रेंस ऑफ कार्बन में अर्थ क्रस्ट में कार्बन हमारे पास कितना है जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट और एटमोसफियर में हमारे पास कार्बन कितना है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट तो देखिये अर्थक्रस्ट में कार्बन जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट पाया जाता है क्वेश्चन ये भी बनता है कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है तो कार्बन अर्थ क्रस्ट के अंदर जी किस फॉर्म में पाया जाता है मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है किस फॉर्म में पाया जाता है मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है ठीक है कौन से मिनरल जी तो हम कह सकते हैं कार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कोल एटसेट्रा क्लियर और एटमोसफियर में जो कार्बन पाया जाता है जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट वो किस फॉर्म में पाया जाता है मैक्सिमम कंटेंट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है सी ओ टू एंड बहुत कम अमाउंट किसका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रेसिस में सी ओ का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है तो ये था अक्रेंस में अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कार्बन है वो नेचर के अंदर फ्री स्टेट में भी पाया जाता है एंड कंबाइंड स्टेट में भी मींस कार्बन फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट ठीक है तो कार्बन फ्री स्टेट में दो फॉर्म में पाया जाता है देखिए वन इज अमोरफस फॉर्म एंड अनदर इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म देखो क्या होता है अमोरफस और क्रिस्टलाइन अमोरफस फॉर्म वो होती है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट होती है डिसऑर्डरली इरेगुलर और क्रिस्टलाइन फॉर्म वो होती है जिनमें पार्टिकल की अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में होती है ठीक है तो फ्री स्टेट में कार्बन टू फॉर्म में पाया जाता है विच वन अमोर्फस फॉर्म एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म अमोरफस फॉर्म में कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है देखिए कोक चारकोल लैंप ब्लैक ठीक है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या पढ़ते हैं हम हम पढ़ते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कार्बन के एलोट्रोप्स कितने एलोट्रोप्स होते हैं जी कार्बन के थ्री डायमंड रेफाइट फुलरे है? तो ये आते है में। उसके बाद है like carbon monoxide, carbon dioxide, या फिर मेटल कार्बोनेटल बाई फ्यूल्स की फॉर्म में लाइक पेट्रोलियम कोल ठीक है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में दैट फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम ठीक है तो इस फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है ठीक है तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में दैट इज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स क्या है कार्बन के तो पहले हम पढ़ते हैं एलोट्रोप्स होते क्या हैं हमें ये पढ़ना के एलोट्रोप्स होते क्या है तो देखिए बच्चों एलोट्रोप्स क्या होते हैं एलोट्रोप का मतलब होता है जी ऐसे जो ऐसे जो केमिकल सब्सटेंस ठीक है ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हो क्या कहा मैंने जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हो ठीक है और एस ये ऐसी जो कंपाउंड्स दिखाते हैं हैं इस characteristic को हम क्या कहते एलोट्रोपी ठीक है तो देखिए एलोट्रोपी क्या होती है एलोट्रोपी इज ए फिन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स कह रहा है कि एलोट्रोपी वो फिनोमिना है जिसके अकॉर्डिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करता है दो या दो से ज्यादा फॉर्म के अंदर इन द सेम फिजिकल स्टेट ठीक है और एलोट्रोप्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम ठीक है कार्बन के हमारे पास कितने एलोट्रोप्स होते हैं तो कार्बन के अगर हम एलोट्रोप्स की बात करें तो कार्बन के हमारे पास थ्री एलोट्रोप्स होते हैं वन इज द डायमंड अनदर इज द ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज द फुल रिंग कौन सा डायमंड ग्रेफाइट एंड फुल रिंग ठीक है ये होते हैं तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि डायमंड क्या ग्रेफाइट और फुलरेन वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है तो अब देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा तो एक बार देखिए हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा हमने बोला हम क्लास टेंथ यूनिट फोर पढ़ रहे हैं कार्बन कंपाउंड साइंस की इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कार्बन एक लेटिन वर्ड से लिया गया कार्बो से जिसका मतलब होता है क्या जी कोल ठीक है फिर हमने बोला कार्बन आपके पास एक क्या होता है कार्बन हमारे पास एक क्या होता है जी कार्बन हमारे पास एक नॉन मेटल होता है ठीक है फिर हमने क्या बात की अर्थक्रस्ट में कार्बन फिफ्टींथ मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में कौन सा फोर्थ ठीक है ह्यूमन बॉडी में सेकेंड ये सारी बातें की फिर हमने बोला इसकी अक्रेंस के बारे में बात करते हैं जब हमने अक्रेंस के बारे में बात की तो हमने कहा अर्थ क्रस्ट में कार्बन जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट एटमोस्फियर में जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ठीक है तो ये सब बातें कर ली आप इसे अच्छे से समझ लेना अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो so मच